नमस्कार, मंगलवार, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज चिंतन करेंगे बेटियों का। जी हां, मेरे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर की पूरी टीम मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय टीम से कराना चाहूँगा। हमारे साथ एक जो महिलाओं की जब भी बात आती है, महिलाओं के हितों की बात आती है, तो अगर मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा पहले नाम आता है तो वो रीता सिंह जी का है। स्वागत है मैम आपका। दूसरा, मैं साथ ही एक ऐसा नाम जो जिससे आप सब लोग परिचित हैं और कहीं ना कहीं बेटियों की एक बड़ी आवाज़ और एक बन के उभरी हैं, प्रिया अग्रवाल जी। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राखी रस्तोगी जी। राखी रस्तोगी जी भी इस अभियान से जुड़ी हुई हैं, अर्थशास्त्र की प्रवक्ता हैं आर्यन इंटर कॉलेज में। स्वागत है मैम आपका भी। इसके अतिरिक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता अग्रवाल जी। स्वागत है मैम आपका। इसके अतिरिक्त हमारे साथ हैं शालिनी भारद्वाज जी, मैम स्वागत है आपका भी, और नीलू सिंह जी आपका भी स्वागत है। रीता मैम, आपके पास जाना चाहूँगा। मैम, कानून बहुत है महिलाओं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन कानूनों के बाद भी जो महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न के केस हैं वो दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़े हैं, आपको क्या कारण लगता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानून बहुत बन गए हैं, शासन बहुत सतर्क है, लेकिन ये कानून जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते, कानून कार्यों में ही रह जाते हैं। अगर ये कानून जो बने हैं महिला जगत में प्रैक्टिकल में व्यवहारिक रूप में अगर आ जाएं, तो मैं समझती हूँ कि समाज की बहुत से उत्पीड़न, बहुत सी समस्याएं महिलाओं की समाप्त हो सकती हैं। इतने कानून होने के बाद भी आज जगह जगह कानून की उपेक्षा हो रही है, कानून के प्रति कोई जागरूकता भी कम है, और जो जागरूकता है वो जाते हैं तो वहाँ उन्हें न्याय नहीं मिलता। कई बार मैंने देखा कि महिलाएँ इतनी परेशान होती हैं और वो अपना इस परेशानी को दूर करने के लिए जहाँ जाती हैं वहाँ उन्हें सही उत्तर नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ यह है कि सरकार को सतर्क होना पड़ेगा कि महिलाओं के जो कानून बने हैं उन कानूनों का इम्प्लीमेंट अवश्य होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, FIR हर एक व्यक्ति का लिखना चाहिए, लेकिन जिसके अंदर जबर है, जो अप्रोचेबल है, उसकी तो FIR जल्दी हो जाती है, लेकिन जो अबला है हमारी नारी, जिस पे पूरा देश टिका हुआ है, समाज टिका हुआ है, और जब तक समाज और देश का उत्थान नहीं होगा, विकास नहीं होगा, जब तक कि हम निम्न स्तर पर इन मलिन बस्तियों में जाकर अपनी अधिकांश जनता जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग आती है उसको हम सहायता नहीं देंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, मेरी तो यही राय है। अगर ये कानून, बहुत अच्छे अच्छे कानून बने हैं, महिलाओं को बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं, बालिकाओं के उत्थान के लिए बहुत से कानून हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक रूप हमें केवल कागजों में ही दिखता है, प्रैक्टिकल कहीं नहीं दिखाई देता। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए अभिशाप समझिए। जब तक उन्नति नहीं होगी, जब तक इनका इम्प्लीमेंट कानूनों का अच्छी तरह नहीं होगा, इसके पीछे चाहे वो सजा रखें, चाहे कोई दंड व्यवस्था बनाए, वो ठीक है, लेकिन कानून को व्यवहारिक रूप में हमें अपनाना होगा, तभी हमारे देश की महिला जगत का उद्धार हो सकेगा। निश्चित तौर पर एक समाज के लिए आगे आना पड़ेगा, समाज को, तभी महिलाओं के लिए जो सोच है वो भी बदलनी होगी, तभी महिलाओं का भला हो सकता है, सिर्फ कानून बनाने से नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारी केंद्र सरकार है उसने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रिया अग्रवाल जी हैं। मैम, बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और अब राज्य सरकार की भी, लेकिन उनकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो क्या क्या योजनाएं आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बेटियों के लिए? नमस्कार, मैं प्रिया अग्रवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संयोजिका। बेटियों के लिए सरकार निरंतर ही अपने प्रयास कर रही है, निरंतर ही योजनाएं आ रही हैं, चल रही हैं। सुकन्या योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, वैभवधन लक्ष्मी योजना, पर क्योंकि मैं इस अभियान से जुड़ी हूँ और निम्न स्तर पर जाकर देखती हूँ, योजनाएं आती हैं और सिर्फ वो कागजों पे रह जाती हैं। क्यों? इसका हम सबको मिलकर एक स्टेप उठाना चाहिए कि योजनाएं आए, और मेरी पूरी समस्त टीम भी इसी काम में लगी हुई है कि ये केंद्र सरकार की योजना ना होकर ये खुद की एक हम पहल करें,
और ये कैसे होगा, जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हमने अपने मन में ठान लिया कि महिला कुछ कर सकती है, तो निरंतर ही इस अभियान में भी तरक्की होगी। हमारी आधी आबादी जब महिलाओं से है, फिर भी हमारी महिला क्यों पीछे रह जाती है, उसकी वजह है सिर्फ सोच। अभी आप एक सुकन्या योजना ला दें, मैं इन योजनाओं से भी अंतर्गत कई क्षेत्रों में जाती हूँ, बात करती हूँ, तो कई लोग तैयार भी नहीं होते। हम लोगों को उनको बताना पड़ता है कि इससे क्या फायदा है। ये जागरूकता लाने के लिए मैं निरंतर ही प्रयास कर रही हूँ, जगह जगह जा रही हूँ। पूरी मेरे साथ शहर के वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, शहर के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। और फिर वही बात मैं कहूंगी, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं महिलाओं से, बेटियों से ये आग्रह भी करती हूँ, जब हमारी आधी आबादी है तो हम क्यों किस चीज में पीछे रहे। आज हर जगह महिलाएं आगे हैं, बेटियां आगे हैं, क्यों हम इन योजनाओं का फायदा नहीं उठाएं। अपनी सोच को बदलिए। अगर आपने जिस दिन सोच बदल दी, एक नए युग की तैयारी है जिसमें पूरी महिलाओं की भागीदारी है। ये पूरे मैं आह्वान मुरादाबाद शहर से, मुरादाबाद से कहती हूँ कि इस अभियान से जुड़े, सरकार को भी एक पहल करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सरकार योजना लाती है, अगर आप उसको ध्यान से दें कि नहीं वो उससे क्या हमें फायदा मिल सकता है, तो निरंतर इस कार्य करने से एक नए समाज को भी, सशक्त समाज बनेगा। एक बेटी जो है दो घरों को पढ़ाती है, दो घर बांधती है। अगर हम जिस दिन हमने अपने मन में ठान लिया, एक नए युग तैयार रहेगा। निश्चित तौर पर एक नए युग के लिए अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय निश्चित तौर पर बेटियों का है। मैं अब डॉक्टर राखी रस्तोगी जी के पास जाना चाहूँगा। मैम, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका भी है जो बेटियों को स्कूल जाने से रोक रहा है। उस तबके के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उस छोटी मानसिकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तबका ऐसा भी है जो बेटियों को स्कूल जाने से रोक रहा है। उस तबके के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो तबका अभी बहुत पिछड़ी सोच का है। वो तबका अभी तक यही मानता है कि लड़कियाँ घर के कामकाज के लिए हैं, बेटी है, उनका विवाह करना है, खर्च विवाह पर भी आना है, तो वो उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। कहीं कहीं कन्या को अवांछित माना जाता है समाज में कि ये परिवार में क्यों आई है। इसीलिए ये स्थिति बनी थी कि जो कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति, कि बेटी को आने समाज में आने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए या मार दिया जाए। आज के समाज को विकास चाहिए, और विकास तभी होगा जब समाज के दोनों हिस्से, स्त्री और पुरुष, दोनों बराबर की भागीदारी देंगे। जितना पुरुष समाज आगे बढ़ रहा है, उतना स्त्री समाज को भी आगे ही बढ़ने की जरूरत है, और वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। बेटियों की समाज आर्थिक दशा अगर सुधर सकती है तो उसका आधार शिक्षा है। उन्हें शिक्षा से जब वंचित किया जाता है तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनका पिछड़ापन वो समाज को भी पीछे ले आता है। तो जरूरत इस बात की है कि उनमें एक बदलाव लाया जाए। लगातार मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ी हूँ प्रिया अग्रवाल जी के साथ, और मैं लगातार उनके साथ जुड़ी हूँ और देख रही हूँ कि ये विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो कार्य कर रही हैं, गांव में जाती हैं, जहाँ ऐसे इलाकों में जाती हैं जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, लगातार लोगों को जागृत किया जा रहा है, महिलाओं से बात की जा रही है, परिवारों से बात की जा रही है कि वो बेटियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजें, ताकि वो पढ़ लिख कर समाज में बराबरी का योगदान दे सके। और जैसे कि अभी यहाँ कहा भी गया कि दो परिवारों को साथ दी है, तो जब कन्या सुशिक्षित है तो वो दो परिवारों को बहुत अच्छे से विकास की ओर लेकर जाती है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य भी रखा गया था, वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों की सुरक्षा और बेटियों का आर्थिक विकास के लिए एक योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का जैसे अभी जिक्र भी आया कि बहुत अच्छी योजना है, और लगातार हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इन योजनाओं का। और सबसे बड़ा हमारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पर कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाएं,
अभी भी पिछड़े तबकों में जरा सी ये पिछड़े इलाकों में दिक्कत है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, उन्हें घर के कामकाज में लगा दिया जाता है, जबकि वो सोचते हैं स्कूल जाकर ये क्या करेंगे। कहने को अभी भाई आपने कहा भी कि बहुत से कानून है, बाल शिक्षा अधिकार मौलिक शिक्षा मूल अधिकार है शिक्षा का, जिसमें अप टू 8th एजुकेशन बच्चे के 14 वर्ष तक की आयु की शिक्षा कानूनी रूप से उसका हक है। कहीं कहीं बच्चियों को इस हक से भी वंचित किया जा रहा है और जरूरत है समाज में इस बात की जागरूकता लाने की, समाज में जनजागृति लाने की कि सभी बच्चियों को स्कूल भेजा जाए और जिससे वो अपने उनका भी समाज आर्थिक विकास और देश के विकास में भी योगदान दे। निश्चित तौर पर एक बेटी पढ़कर दो परिवारों को पढ़ाती है। हमारे साथ डॉक्टर विनीता अग्रवाल जी हैं। मैम, कन्या भ्रूण हत्या का जब कभी भी मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पर भी सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह डॉक्टर्स को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पूरा कन्या भ्रूण हत्या का इंसिडेंस है उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से डॉक्टर्स को इससे बचना चाहिए? कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या है, जो एक मतलब एक तरह से सोशल स्टिग्मा ही मैं कहूँगी कि लोग इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो एक सामाजिक कारण, जहाँ माता पिता ये सोचते हैं कि भाई लड़की है इसे पढ़ाएंगे और पढ़ाने पर खर्चा आएगा, पढ़ाने के साथ साथ इसका शादी ब्याह करना है उस पर खर्चा आएगा। तीसरा हमारे रिचुअल प्रेशर ये रहता है कि आगे बढ़ के हमारा वंश कौन चलाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एजुकेट करना होगा अपनी सोसाइटी को, जिससे वो बेटे को जब हम बेटी को जब हम बेटे की तरह से ही पालेंगे तो नेचुरली हमारा उस पर, पहले ज़माने में क्या होता था कि बेटी का ऋण समझते थे लोग कि भाई हमारे पास बेटी का ऋण है तो इसलिए इसकी बस शादी कर दो बात खत्म ना, हम लड़की को मतलब एज ए प्राइमरी मतलब सारी फैसिलिटीज नहीं देते थे, लड़कों को फैसिलिटीज ज़्यादा दी जाती थी, तो पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक ये कुंठा होती थी कि मैं इस लड़की का ऋणी हूँ, जब मैं इस लड़की का ऋणी हूँ तो इसका एक बार कन्यादान करने के बाद मैं इससे कुछ नहीं ले सकता। हमें ये सोच बदलनी होगी, रूट कॉज यही है, क्योंकि हम समाज मतलब नेचुरली मैं ये देखती हूँ हमारी सरकार बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़की के माता पिता हैं उन्हें भी हमें एक सोशल सिक्योरिटी ये देनी पड़ेगी कि बुढ़ापे में वो थोड़ा सुरक्षित रहें। सरकार कुछ ऐसी योजनाएं भी दे जिससे बेटी पैदा करते हुए लोगों को एक ये डर ना लगे कि बुढ़ापे में हु विल टेक केयर ऑफ मी, जो कि हमारा समाज ये सोचता है कि बस लड़के ही दे सकते हैं। जहाँ तक कन्या भ्रूण हत्या का सवाल है तो पहले तो हमें समाज में ही जागरूकता लानी होगी और जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं उन्हें भी ये पेशेंट को समझाना होगा। मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं, स्पेशली जो दो लड़कियों के बाद वाले पेरेंट्स होते हैं, तो उनका ये होता है कि अब मुश्किल से कंसीव, पता नहीं अनजाने में कंसीव हो गया, हम चाहते तो नहीं दो ही लड़कियाँ हैं, लेकिन मेरा समझाना हमेशा उन्हें ये रहता है कि आज की डेट में तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे दो लड़कियां हैं, बट आगे आने वाले टाइम में यू विल बी द हैप्पियर पेरेंट्स कि आपकी दो लड़कियां हैं, वो दोनों लड़कियां आपको भी सपोर्ट देंगी, आपका नाम भी आगे करेंगी। ज़रूरी नहीं कि लड़का हो तो वही ऐसा करे। मुझे तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि दो लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से टेक केयर कर सकती हैं। और डॉक्टर्स के लिए भी मेरा यही है कि हमें रूट लेवल पे ही पहली चीज़ तो कोई भी पेशेंट आया हमें तुरंत ही, जैसे ही उसके मन से ये सेंटेंस निकले कि भाई मेरी एक लड़की है अब दूसरे में मैं अल्ट्रासाउंड कराना चाहती हूँ या क्या, तो हमें वहीं उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं लड़की है, लड़की भी अपनी एक उसकी आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअलिटी है, और लड़कियाँ इतनी आगे जा रही हैं मतलब इसमें कहने का कोई शक ही नहीं है, हर फील्ड में बेटर इवन लड़कों से ज़्यादा अगर मैं गिनाऊँ तो अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा तो ये योगदान रहता है कि मैं अपने पेशेंट को 10 मिनट तक एटलीस्ट ये तो काउंसिल करती हूँ कि तुम ज़्यादा खुश हो जिसकी दो लड़कियाँ हैं आगे आने वाले टाइम में, जिनके देखो जिनके तीन भी हैं तो वो तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, अगर ये पॉइंट वैसे अलग है बट मैं तो लड़कियों को प्रमोट इसीलिए ही ये कह के ही करती हूँ कि आज आपको लग रहा है दो लड़कियाँ, लेकिन आने वाले टाइम में आप ज़्यादा हैप्पी होगे बजाय इसके कि आप लड़के की शादी करके, हो सकता है थोड़ी मिस हैपनिंग हो बट लड़कियों के साथ यू आर सेफ।
निश्चित तौर पर अगर डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी समझें तो इस सामाजिक बुराई को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमारे साथ शालिनी भारद्वाज जी हैं। मैम, निश्चित तौर पर भ्रूण हत्या एक सामाजिक बुराई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है इसके लिए एक समाज की वो सोच भी जिम्मेदार है, जैसा जिक्र डॉक्टर बनीता ने भी किया अपनी बात में, कि लोग सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापे में साथ सिर्फ लड़का ही दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए चंद लाइनें लिखकर लाई हूँ भ्रूण हत्या के ऊपर। वो चंद लाइनें आपके सामने पेश करने के बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सर से गुजरा हुआ पानी नहीं देखा जाता, सर से गुजरा हुआ पानी नहीं देखा जाता, आंखों से छलका हुआ आंसू नहीं देखा जाता, आंखों से छलका हुआ आंसू नहीं देखा जाता। बदले हुए हैं तेवर आजकल हवाओं के, बदले हुए हैं तेवर आजकल हवाओं के। ऐ खुदारा उठा ले इस नापाक जहां से मुझे, ऐ खुदारा उठा ले इस नापाक जहां से मुझे। मुझसे मासूम कलियों का खिलने से पहले कुचलना देखा नहीं जाता, मुझसे मासूम कलियों का खिलने से पहले कुचलना देखा नहीं जाता। बहुत दुख होता है, बहुत खराब लगता है जब हम जगह जगह कूड़ेदानों में कहीं भी छोटी छोटी नवजात बच्चियों के शव देखते हैं, कुत्ते घसीट रहे हैं उनको, बहुत खराब लगता है। और ये जो पेरेंट्स की सोच है कि बेटियां, बेटे ही हमारा लालन पालन कर सकते हैं, आजकल आप देखिए कि कितने तमाम एक से एक अच्छे अच्छे घरों में, कोठियों में आप देख लीजिएगा कि वो घरों में कुत्ते देखभाल कर रहे हैं और बेटे फॉरेन जा चुके हैं। और अगर देखभाल करने के लिए बेचारी बेटियां आती हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ससुराल की, वो एकदम तो आ नहीं सकती कि अभी फ़ोन किया अभी आ जाए, उन्हें उधर का भी देखना रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां ही अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं। और मैं खुद अपना उदाहरण दे रही हूँ, मैं तो अपनी बेटी को ये सोच के कभी नहीं पालती या पढ़ाती कि आगे चल के मेरा बेटा मेरा लालन पालन करेगा या मेरी देखभाल करेगा, बेटी नहीं करेगी। मैं तो उससे ये बात बोलती हूँ कि अगर ये हमें लात मार देगा तो तेरे को ही हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं उसको बोल के चलती हूँ कि तुझे मैं बेटे की तरह पढ़ा रही हूँ, और बेटियाँ बेटों से लाख जगह अच्छी होती हैं। और हमें ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि बेटियाँ हमारा ख्याल नहीं रखेंगी, घर चली जाएंगी, अपने ससुराल चली जाएंगी। लेकिन बेटियाँ एक ऐसी देवी होती हैं जो कि दो दो परिवारों का ख्याल प्रॉपर रखती हैं, पूरी ईमानदारी से रखती हैं। मैं अपने वाणी को विराम चंद चार पंक्तियों के साथ देना चाहती हूँ। जाए जिस ओर जमाना उसे जाने दो, जाए जिस ओर जमाना उसे जाने दो, गा रहा हो वक्त जो गीत उसे गाने दो। चाहते ही हो बनाना जो नया हिंदुस्तान, चाहते ही हो बनाना जो नया हिंदुस्तान। गर्भ में पल रही बच्चियों को जन्म लेने दो, मुस्कुराने दो। गर्भ में पल रही बच्चियों को जन्म लेने दो, मुस्कुराने दो। धन्यवाद। डॉक्टर नीलू जी हैं हमारे साथ। आप लंबे समय से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हुए, किस तरह के काम करते हैं आप लोग इस अभियान में? एक्चुअली जहाँ तक मैं इस अभियान से रिलेटेड कहना चाहूँगी, हम लोगों का पूरा प्रयास ये रहता है कि एटलीस्ट मुरादाबाद शहर में कोई भी बेटी ऐसी ना रहे जो ना पढ़े। हम लोग इंटीरियर्स में जाते हैं, जगह जगह विलेज बैकग्राउंड में जहाँ पर इस समस्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विकराल रूप है इसका, तो वहाँ जाके हम लोगों को अवेयर करते हैं लोगों को कि आपको बेटियों को भी जस्ट लाइक बेटों की तरह ही पढ़ाना है। और उन लोगों की पूरी फाइनेंशियली भी पूरा उन्हें कोऑपरेट करते हैं, फ्री एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह के काम तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम की तरफ से करते हैं। बट जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मेरे अपने व्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी एक भयंकर समस्या इस समय हम लोग सोच रहे हैं उतना शायद नहीं है। समाज में काफ़ी कुछ चेंज भी आया है, ऐसा नहीं है। मैं एक विद्यालय भी रन करती हूँ, सेपियन प्लेवे एकेडमी, और इसमें मैंने देखा है कि मेरा विद्यालय जिस बैकग्राउंड में है, काफ़ी लोअर बैकग्राउंड है और लेबर क्लास मोस्टली वहाँ पर बच्चे उनके पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने देखा है जो घरों में काम वालियाँ हैं, इस तरह के जो फैक्ट्रीज में मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी बेटियाँ स्पेशली पढ़ने आ रही हैं। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक फील हुआ, ये चेंज थोड़ा सा अभी लग रहा है मुझे,
कि उनका फोकस ये रहता है कि बेटों को तो वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ा लें। कई बार ऐसा होता है कि वो बेटों को विड्रॉ करती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई बेटे यहाँ से क्यों विड्रॉ कर रहे हो, बेटियों को नहीं कर रहे, जैसे भाई बहन होते हैं आपस में। तो उनका रिप्लाई यही रहता है कि भाई बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बेटी पढ़ती रहेगी, इंटर कॉलेज में डालना है, मुरादाबाद के किसी अच्छे स्कूल में। तो कई बार मैं उन लोगों को ये एजुकेट करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर पहली चीज तो मैं उनको यही बताती हूँ कि विद्यालय ये भी बहुत अच्छा है, बट जहाँ तक अच्छे इंटर कॉलेज की बड़े नामी स्कूल की बात है तो ऐसा नहीं, अगर आप वहाँ बेटों को पढ़ा रहे तो बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज, समाज में थोड़ा सा हमें चेंज लाना पड़ेगा, काफी कुछ चेंज आया है। अगर हम प्राचीन काल से भी देखें तो कुछ ऐसा रहा है कि पुरुष प्रधान समाज ने थोड़ा सा पीछे किया है बेटियों को, महिलाओं को। अगर आप बहुत प्राचीन उसमें भी जाएं तो मैंने तुलसीदास जी का भी पढ़ा था कहीं कि उन्हें जो इतने बड़े कवि हुए और उन्होंने बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा तो उसके पीछे उनका वाइफ का ही रोल था। उनकी वाइफ जो थी उन्होंने ही उन्हें कहा था कि भाई जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं अगर इतना ही प्रेम आप ईश्वर से लगाएं तो आप शायद ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। बट उन्होंने क्या किया कि सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट पेज पे किसी की महिमा करनी चाहिए थी तो महिलाओं की करनी चाहिए थी कि बीइंग अ लेडी उनकी वाइफ ने उन्हें इतना प्रमोट किया। बट उन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर लिख दिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो जहां तक मुझे लगता है कुछ रोल पुरुष प्रधान समाज का भी रहा, तो उस सोच में काफी चेंज आया है और अभी हमें और ज्यादा लाने की जरूरत है। और महिला वर्ग से भी मुझे थोड़ा सा मैं आह्वान करना चाहूंगी कि कई बार हम महिलाएं भी बेटियों को पीछे करने में आगे बढ़कर पूरा योगदान देती हैं कि कहाँ जा रही हो, आपको घर से बाहर इस टाइम जाना है नहीं जाना है। उसमें कई बार मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे भी उस तरह के चीजें पढ़ी कि भाई आपको इसलिए रोकते हैं कि आप हीरा हैं, आपको सुरक्षित रखना है। बट मैं इससे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं रखती। हीरा है ठीक है, बेटियां हीरा हैं, बट उन्हें हमें महफूज करके नहीं रखना, हमें उन्हें स्ट्रांग बनाना है और आगे उन्हें समाज में निकलने का पूरा पूरा मौका देना है। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली बेटियां आगे आएंगी। और बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी भी है, लेकिन जो बेटियां पढ़ी हुई हैं, जो बेटियां बची हुई हैं, मैं ये चाहूंगी कि उनको अगर हम आगे बढ़ा पाते हैं तो आगे आने वाली बेटियां तो ऑटोमेटिक बच भी जाएंगी, पढ़ भी जाएंगी। थैंक यू। ओलंपिक में सारे के सारे मेडल महिलाएं जीतती हैं, देश की बेटियां जीतती हैं, और फिर भी हमारा देश पुरुष प्रधान है। हमारे साथ अंजू त्रिपाठी जी हैं। मैम, सवाल आपसे, सारे मेडल बेटियां जीत रही हैं फिर भी पुरुष प्रधान क्यों? ये शुरुआत से हमारे जो संस्कार थे वो बेटियों को पहले, यदि हम आदिकाल में जाते हैं तो बेटियां बहुत आगे थी, तब बकायदा बेटियां मतलब बेटी ही अपना वर्ड चुनती थी। उसके बाद में जब मुगल काल आया था तो बेटियां हमारी असुरक्षित रहने लग गई, जिसके कारण हमें जौहर प्रथा, दुनिया भर की सती प्रथा वगैरह ये क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी कि हमारी बेटी जो है वो किसी दूसरे के हाथों में ना जाए और वो सुरक्षित ही जैसे तैसे दुनिया से चली जाए। उसके बाद में जो पुरुष प्रधान समाज बनता गया है और पुरुष प्रधान ने ये क्या किया कि बिल्कुल ही बेटियों को घर के अंदर दबा कर रख दिया, एक कमरे के अंदर उनकी पूरी जिंदगी मतलब निर्वाह करनी सोच ली उन्होंने। अब धीरे धीरे उसके बाद में जैसे ही जागृत आई, हम लोग जैसे जैसे महिलाएं जो हैं वो जागृत हुई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है, ऐसे ऐसे अब पहले के तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ आज भी बहुत सारी जगह बहुत ही कॉर्नर्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी महिलाओं को जो है पूरी मतलब प्रधानता नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी समाज के लिए कि हाँ बहुत आगे बढ़ रहा है समाज हमारा और बहुत अच्छी तरीके से लड़कियां अपने आप को प्रूफ कर रही हैं, बेटियां बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ कर रही हैं, महिलाएं प्रूफ कर रही हैं, महिलाएं तो अपने आप को इस तरीके से प्रूफ कर रही हैं कि उनको दो घर भी देख रही हैं, उसके बाद में समाज में अपना नाम भी कमा रही हैं, जो भी उन लोगों को किसी भी तरीके का कार्य दिया जा रहा है उसको भी अच्छी तरीके से करके दिखा रही हैं। बेटियों को भी यदि आज ओलंपियाड देखिए कि ओलंपियाड में अभी पीछे जो कॉमनवेल्थ हमारे गेम्स हुए थे उसमें भी बेटियों ने बहुत अच्छा नाम कमाया था, ओलंपियाड में भी कमाया था और देश में भी आज की डेट में आईएसपीसीएस के भी उसमें आप देखिए तो हमारी महिलाएं आगे जा रही हैं।
इवन टीचिंग में देखिए या किसी भी एजुकेशन में, डॉक्टरी उसमें लाइन में देखिए, तो महिलाएं आगे जा रही हैं। महिलाओं ने तो प्रूफ किया ही है और आगे भी करती रहेंगी, लेकिन बदसरते प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि जो बच्चियां हमारे गांव की हैं, जो बच्चियां हमारे ग्रामीण की हैं, उन लोगों को कैसे आगे किया जाए, क्योंकि शहर वर्ग में तो कहीं ना कहीं बेटियों को बहुत अच्छी तरीके से लालन पालन हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों को, हमारी सरकार को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो बेटियों की गांव में जो बच्चियां हैं उनकी जो माएं हैं, उन लोगों को पहले साक्षात करवाना चाहिए कि आपको अपनी बेटी को कैसे ब्रिंग अप करना है, उनके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, और उन योजनाओं के तहत वो अपनी बेटियों को पहले सुरक्षित बनाए, जिसके कारण उनके दिमाग में जो ये चल रही होती है कि हाँ इनकी बेटी, मेरी बेटी बड़ी होगी, मेरी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसा, क्योंकि सरकार ने अपने आप में बहुत ऐसी योजनाएं लागू कर दी हैं जिससे कि बेटी सुरक्षित हो सकती है, लेकिन माओं को नहीं पता है। तो हम लोगों का पहले कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग जो क्योंकि कहते हैं कि भारत जो है वो एक गाँव से ही विकसित हुआ है, शहर बाद में बने हैं, तो गाँव को ही सबसे पहले, और आज की डेट में शहर की तरफ सब लोग देख रहे हैं लेकिन गाँव की तरफ उतनी ध्यान से नहीं देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको एजुकेट करना है, उनको बताना है कि आपकी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हुई हैं, आप प्लीज इस चीज की जानकारी लें, और हम लोगों को भी वहां पर जाकर जानकारी है, जैसे कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत देते भी हैं। और भी मैं ये अनुरोध करूंगी सभी लोगों से कि यदि आपके पास में जब भी टाइम हो, आप अपने 4-5 लोगों को, एनजीओ से भी मैं अनुरोध करूंगी, सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग गांव में जाइए और उन लोगों को, उन महिलाओं को भी एजुकेट कीजिए, उनको बताइए कि आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जो सरकार ने लागू करी हैं कि जिससे कि आप यदि उन योजनाओं के तहत अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगी तो आपकी बेटियां आगे बढ़ेंगी और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। दूसरी बात ये प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी बात आ जाती है प्रोटेक्शन की, बेटियों को 5वीं क्लास तक, चलो ठीक है आपने जैसे बोला कि 14 इयर्स तक बेटियों के लिए अनिवार्य एजुकेशन है, देते हैं, 14 साल के बाद में बेटी कहाँ जाए, क्योंकि जो इंटर कॉलेजेस हैं वो बहुत दूर हैं और बेटियों को कोई भी माँ बाप अपने प्रोटेक्शन के बिना कहीं पर भी जाने नहीं देता है। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इंटर कॉलेजेस हैं लड़कियों के, खास करके वो गांव के आसपास में रहें, कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक इंटर कॉलेज जरूर होना चाहिए, और वो भी निशुल्क बच्चों के लिए, कम से कम बेटियों के लिए खास करके निशुल्क शिक्षा वहां पर होनी चाहिए, जिससे कि बेटियों को किसी भी तरीके की कोई भी अड़चन ना आए एजुकेट होने की, और जिस दिन बेटियां एजुकेट हो गई उस दिन अपने आप ही हमारा समाज, हमारी सोच, हमारा गाँव, हमारे शहर सब विकसित हो जाएंगे। तो इसीलिए इसी के साथ में मैं बात कहना चाहती हूँ कि जैसे जो हमारा जो अपना बेस होता है, हमारा बेस, हमारा जो उसको पहले हमें विकसित करना, और हमारा बेस हमारा गांव है, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव की महिलाएं हैं, हमारी गांव की बेटियां हैं, बेटियां कहीं की भी हो, बेटियों में अपने आप में बहुत ऐसी मतलब हिम्मत होती है कि वो अपने आप को कहीं भी किसी क्षेत्र में प्रूव कर सकती हैं, लेकिन सोच उस बात की है कि हमारे जो मेन नींव है उसको कैसे हम मजबूत करें, और जब वो मजबूत होगी तभी हमारा देश मजबूत होगा, तभी हमारी महिलाओं का ये समाज विकसित होगा, क्योंकि छोटे वर्ग की जो हमारी शहर की महिलाएं हैं वो विकसित हैं, ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण को करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी कभी किसी भी तरीके से आपको कहीं विकास विकसित कोई चीज करवानी है तो प्लीज सबसे पहले आप ग्रामीण विकास को सबसे पहले मद्देनजर रखते हुए उस चीज को विकसित करें। धन्यवाद। निश्चित तौर पर अब समय हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि महानगर में धरातल पर महिलाओं के लिए क्या क्या हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ आज जुड़ी हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरी टीम। मैं सबसे पहले प्रिया जी के पास जानना चाहूँगा। मैम, आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रयोग, नया प्रयोग शुरू हो गया है कि लोग कुछ लोग राजनीति में आने के लिए भी समाज सेवा या महिला उत्थान का चोला ओढ़ना शुरू कर दे। भैया, इस बारे में मैं कहूंगी, 18 साल से वीना गढ़वाल एक ऐसी महिला जिसने मुरादाबाद को एक नया रूप दिया, नया सशक्त समाज बनाया। आज उस महिला के बारे में मैं जिस जगह भी जाती हूँ वहाँ इतने सम्मान के साथ नाम दिया जाता है। मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। राजनीति का जहाँ आप मसला कह रहे हैं, तो महिला, मैं अपने लिए ये बात कहूँगी कि वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। एक उन्हीं का नाम लेकर मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ, और जो बढ़ा रही हूँ वो इस तरीके से बढ़ा रही हूँ कि
12 साल हो गए मेरी शादी को। यहाँ सब मैं यही बात होती थी कि भी मुरादाबाद शहर क्या है, पर 12 साल में जो मुरादाबाद शहर की स्थिति अब लोगों को दिख रही है, तो वो कराने वाली कौन थी? एक वीना अग्रवाल। उन्हीं का प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद आज मेरे साथ है कि मैं अकेले ही चली थी, मैं अकेले ही चली थी इस अभियान को लेकर, और ना जाने आज एक कारवां बढ़ता चला गया। आज हर कोई प्रिया अग्रवाल जैसा बनना चाहता है। मैं दिन पर दिन देखती हूँ कि चार महिलाएं इकट्ठी होती हैं और बेटियों का ही उत्थान की बात करती हैं। क्यों? ऐसा क्या है इस अभियान में? मैंने कुछ तो किया होगा कि आज आप जहां जहां देखिए, रोज महिलाओं को मैं देखती हूँ या कुछ भी है, हर कोई आज बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने में ही लगा हुआ है। मुद्दा सिर्फ बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का नहीं है, मुद्दा यह है कि आप अपना फील्ड वर्क कितना कर रहे हो। अगर आपको एक सरकार ने एक योजना चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें आपने क्या किया? योजनाएं तो बहुत पहले भी आई, पहले आई और चली गई। तो ऐसा क्या मुरादाबाद शहर को लगा कि 2 साल में कि प्रिया अग्रवाल को आज हर कोई जानता है? ऐसा क्या? मैं इस बात का जवाब फिर यही बात देना चाहूंगी कि कहना बहुत आसान होता है, स्टेजेस सबको बहुत मिल जाती हैं, करना काम पड़ता है फील्ड में जाके। आप मेरे 2 साल का वर्क देखेंगे तो एक भी आपको बड़ी स्टेज नहीं मिलेगी। मेरे साथ पूरी जुड़ी हुई जो टीम है, सारी वरिष्ठ, सारी अपने जगह पर नाम कमाई हुई लेडीज मेरे साथ हैं, और मेरा काम करने का तरीका भी यही है कि अगर आज मैं जाती हूँ तो जाती हूँ उन मलिन बस्तियों में ही, मैं वहाँ की प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। आज मैं इतनी बेटियों को शिक्षाएं दे रही हूँ, इतनी बेटियों को स्कॉलरशिप दी है, मेरे साथ आज डॉक्टर्स की पूरी टीम है, मेरे साथ पूरा कार्ड बना हुआ है, डॉक्टर विवा पैथलॉग जो मुझे 20% डिस्काउंट देती है, कई डॉक्टर्स ने इस अभियान को लेकर फीस भी माफ कर दी है। तो एक डॉक्टर्स का सहायता, एक स्कूल की सहायता, एनजीओस की सहायता, इससे लेकर एक बड़ा मुकाम इस अभियान में आया है। और वो कैसे आया है कि मैं अगर मैं गई हूँ कहीं, मैं खुद उन डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मैं खुद उन प्रोफेसर्स उन स्कूल्स के पास गई हूँ कि नहीं मुझे ये अभियान मिला है, मुझे बेटियों के लिए ये करना है। मैं कहीं भी आप मेरे पूरे स्टेज में, मैं पंचायत भवन मैंने एक बार भी नहीं दिया अपने इस 2 साल में, कि वहां जाकर मैं गई और अपनी बात भाषण देकर आ गई। मैंने किया है काम फील्ड में जाकर, मलिन बस्तियों में जाकर मैंने किया है काम, आप उन क्षेत्रों में जाकर जहां वास्तविक इस अभियान की जरूरत है। मुझे वहां नहीं है कि मैंने चार फोटो खिंचाए और मैं वापस आ गई। आप मेरे पास पूरी लिस्ट देख सकते हैं, पूरी हर काम का मेरा ब्यौरा देख सकते हैं कि मेरे पास आएगा तो वो काम होगा। मैं जमीनी स्तर पर ये काम कराने की कोशिश करती हूँ, ये कोशिश करती हूँ कि ये सरकार की योजना जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, ये एक सपना है, उस सपने को सिर्फ हमें साकार करना है, एक नए युग का आगाज करना है। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो नमामि गंगे हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है। स्वच्छता अभियान, क्या वास्तविक स्वच्छता अभियान सिर्फ भाषण देने से हो जाती है? मैं कहती हूँ नहीं, हमें स्वच्छता करनी है तो अपनी पहले सोच की करनी है कि आप उसकी शुरुआत अपने घर से करें, कि अगर घर साफ होगा तो एक जगह साफ होगी, जगह साफ होगा एक मोहल्ला साफ होगा। ऐसी सेम बात मैं अभियान की करती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो पहले थी कि हमने वहां जाकर किया और बेटियों की काउंसलिंग हो गई, पर मैं उसका फॉलोअप भी करती हूँ कि बेटी पढ़ भी रही है नहीं। जितनी भी मेरे साथ ये स्कॉलरशिप भी मैंने दी है, मेरा एक असिस्टेंट भी लगा रहता है कि बेटियां उसमें फील्ड में आगे है या नहीं। ये अभियान है बेटियों को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का। ये सिर्फ मैं राजनीति की उस पे नहीं कर रही, ये एक समाज सेवा का भी काम है, और उसी नाम से मेरी माँ जानी जाती थी और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो उसी नाम से प्रिया अग्रवाल भी जानी जाती। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपका काम धरातल पर दिखता है, इस विषय पर अंजू त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं? या आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, मुरादाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में किसी को नहीं पता था, किसी से भी, किसी आप किसी वर्ग महिला, जो आजकल सब बहुत महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और कह रही हैं कि हाँ नहीं हम बेटी बचाओ कर रहे हैं और एफबी पर बहुत सारी फोटोज दे रही हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा से हमें ये मिला था, उस समय सिर्फ प्रिया अग्रवाल एक ऐसी आवाज उठी थी मुरादाबाद से जिन्होंने ये आवाज उठाई थी कि बेटियों की तरफ आके ही हम लोगों को अब ध्यान देना है। और हम प्रिया अग्रवाल जी ने सबसे पहले शहर की नहीं गांव की बेटियों की तरफ ध्यान दिया था। मुझे याद है वो दिन जो सबसे पहले प्रिया अग्रवाल जो हैं वो मुरादाबाद के गांव क्षेत्र में गई थी और टीचर्स डे पर उन्होंने उन शिक्षकों को सम्मानित किया था कि जो जिनके बारे में लोग जानते तक भी नहीं थे।
वो दिन है और आज का दिन है। मैंने प्रिया अग्रवाल को उस दिन के बाद में आज तक कभी भी बैठे हुए नहीं देखा है, और एक ऐसी आवाज और आगाज प्रिया अग्रवाल की रही है कि जिसमें हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर कॉर्नर, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल, हर तरीके से इस महिला ने अपनी आवाज उठाई है, बेटियों को सहायता दी है। कहने के लिए तो हर इंसान स्टेज पर आ जाएगा, FB भी खिंचवा रहा है, सारा कुछ कर रही है। आजकल महिलाएं बहुत आ रही है और सब बेटियों के लिए, बेटियों का एक वो लेकर आगे निकल रही है। लेकिन यदि वाकई धरातल जमीन पर यदि किसी ने काम किया है, तो मैं हकीकत में कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिया अग्रवाल जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। आज चार महीने से मैं बहुत सारी महिलाओं को देख रही हूँ कि जो स्टेज के नाम पर, शो के नाम पर, बेटियों के नाम पर FB पर फोटोज खिंचवा रही है या उसमें हाईलाइट होने की सब लोग कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उनको पता है कि कभी किसी गाँव की लड़की को उन्होंने गोद लिया है, कभी गाँव की लड़की के बारे में उन्होंने सोचा है, कभी गाँव की महिलाओं में जाकर उन लोगों ने उसके बीच में बात करी है? क्या नरेंद्र मोदी जी का, जब पीछे जब नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर में आए थे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी टीम थी कि जो 6000 महिलाएं लेकर वहां पर पहुंची थी और गांव की सारी महिला लेकर पहुंची थी। उस बीच में जो हमने रैलियां करी थी वो सिर्फ गांव में करी थी, उजागर किया था तो गांव में किया था, योजनाएं बताई थी तो हमने गांव में बताई थी। किस महिला ने यहां पर करी है, हमारे सामने आ जाए तो हमें बता दें कि हां इतने गांव, हम टिप्स पर गिन लेंगे कि कितने सारे गांव हम लोग लेकर गए हैं, कितने सारे गांव में हम लोगों ने जाकर महिलाओं को उजागर किया है, कितनी बेटियों को हमने पढ़ाया है। यदि आज भी किसी बेटी को किसी की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले किसी और महिला के पास में नहीं, सिर्फ प्रिया अग्रवाल जी के पास में आती है। किस महिला ने 1,00,000 रुपए देकर किसी बच्ची के लिए सोचा कि हाँ इसका चेहरा ठीक करा दिया जाए? किस महिला ने ये सोचा कि हाँ नहीं चलिए ठीक है मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, इन महिलाओं इस बच्ची को हम लोग पढ़ा दिया जाए? किसने निःशुल्क शिक्षा वो करी है? सब लोग भैया आज बहुत सिंपल बात है कि 2 मिनट के लिए अपनी फोटो FB पर डालने के लिए सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोग वहां पर न्यूज वालों को बुला लेंगे और अपने आप को आगे उजागर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काम काम ही होता है और काम बोलता है, और काम बोलता है। इस बात के लिए आप यदि आपको जानना है तो आप जाइए गांव में, आप जाइए कॉर्नर कॉर्नर पर, उन बेटियों से पूछिए कि आज उनका मसीहा कौन बना हुआ है? सिर्फ प्रिया अग्रवाल बनी हुई है, क्योंकि ये हकीकत बात है, ये मेरी आंखों देखी बात है कि प्रिया अग्रवाल ने रात को भी 12 बजे यदि किसी बेटी के बारे में उन्होंने सोचा है तो रात को 12 बजे मेरे पास में फोन आई है कि हाँ नहीं दीदी ये वाला काम करना है, उनसे बात करनी है, इस बेटी को करना है। तो ये हकीकत बात है कि यदि धरातल पर काम करना है तो काम काम की तरीके से करना चाहिए, ना कि सिर्फ 4 दिन से पहले आकर और अपने आप को 4 वितरण करके बेटी बचाओ किसी अभियान को, आप बेटी बचाओ बेटी अभियान को आप एक हास्य तरीके से लेकर चल रहे हो। ये कोई अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विषय है, कोई जरूरत थी तभी उन्होंने ये अभियान लिया है, और इसको बहुत ही संजीदा तरीके से और बहुत ही साफ सुथरे मन से इसको करना चाहिए, क्योंकि ये बेटियों के भविष्य का सवाल है। आप बेटियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप समाज से खिलवाड़ नहीं कर सकते इस अभियान के नाम से। तो मेरा आप लोगों से और उन सभी महिलाओं से अनुरोध है कि प्लीज आप बेटियों के नाम पर अपने आप को या बेटियों को यूज करके अपने नाम को आगे मत बढ़ाइए। यदि आपको हकीकत में काम करना है तो हकीकत में जाइए, गाँव में जाइए, उन महिलाओं को उजागर कीजिए, उनको शिक्षित कीजिए, उनका साथ दीजिए। उन वो महिलाएं जो वाकई आज की डेट में उनको आपकी जरूरत है, उनको योजनाओं के बारे में नहीं पता, आप जाइए जरा गर्मी में धूप में, और जब पसीना पसीना आप होंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये अभियान होता क्या है और अपने नाम कैसे कमाया जाता है। 2-4 पोस्टर रखवाने से या 2-4 आप उसमें आप सामने आ रहे हो या अखबारों में आने से आप आगे नहीं आ सकते हो, या आपका कोई वो काम काम नहीं माना जाएगा, या FB पर डाउनलोड करने पर नहीं माना जाएगा, काम काम के तरीके से होना चाहिए। अब मैं राखी जी के पास जाना चाहूँ। राखी जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है? देखिए भाई, शिक्षा के क्षेत्र में काम जो कर रही है, उस बात को बताने से पहले जो अभी रिसेंटली चर्चा का विषय बना हुआ था, राजनीति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक लाइन में इस बात पे कहना चाहूंगी कि अगर कोई राजनीति में समाज सेवा की ग्राउंड से आ रहा है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, बढ़ चढ़कर स्वागत होना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में जब राजनीति की शुरुआत की गई थी तो की भी इसीलिए गई थी कि समाज के विकास के लिए वो आवाजें मुखर हो और देश का नेतृत्व संभाले, समाज को नेतृत्व दे, जहां विकास की जरूरत है उस चीज को आगे बढ़ाए। राजनीति अगर समाज सेवा के ग्राउंड से आती है तो वो बहुत स्वागत योग्य है और उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात,
प्रिया अग्रवाल जी ने मुझे इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जोड़ा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि समाज के उस क्षेत्र को दिशा और विकास की जरूरत थी जो बहुत पिछड़ा हुआ था। और अगर मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 से इस योजना की शुरुआत की तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की कि बिना बेटियों के विकास के समाज को विकास नहीं दिया जा सकता। और उसी संदर्भ में लगातार प्रिया अग्रवाल जी ये बात सत्य है कि पहली आवाज शहर से थी जिन्होंने इस दिशा में काम किया। और मैं तो उन्हें बारीकी से कई जगह मैं मौके पर उनके साथ मौजूद भी रही, कई बार नहीं भी रही, लेकिन बहुत बार मेरे से चर्चाएं प्रिया अग्रवाल जी की रही और उनके मन में जो संवेदनशीलता है वो मैंने महसूस की है कि वो बेटियों के लिए कितना संवेदनशील है। ये बात सत्य है कि किसी भी समय उनको अगर कोई बेटी अप्रोच करती है किसी भी तरह के सहयोग के लिए तो अपने सारे काम छोड़कर वो प्रमुखता से उसके लिए सहयोग के लिए सबसे आगे आती है। रही बात शिक्षा की तो शिक्षा के क्षेत्र में कई जगह स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, जहाँ बच्चियों को जरूरत थी किताबें वितरित की गई हैं, स्कूल बैग्स दिए गए हैं, जहाँ जरूरत थी हायर एजुकेशन के लिए भी उन्हें अडॉप्ट करके वो भी व्यवस्था की गई है, और जहाँ जरूरत थी उनकी मेधा को पुरस्कृत करने के लिए तो प्रिया अग्रवाल जी उन टॉपर्स बेटियों को पुरस्कृत करने उनके घर तक भी गई है। ये नहीं कि एक मंच लगाया, उन्हें अपने पास बुलाया और मंच पर फोटो खींचा खींचा कर वो पुरस्कृत कर रही है, नहीं, वो उनके घर पर जाकर भी पुरस्कृत करके आई है। तो वो बेटी, उस बेटी का सम्मान बढ़ता है, उसका स्वाभिमान बढ़ता है और उस आत्मसम्मान की वृद्धि से अन्य छात्राएं भी, अन्य बालिकाएं भी प्रेरित होती हैं कि हाँ, हम भी समाज में एक मुकाम हासिल करें। बेटियां अगर पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। इसी सोच को लेकर लगातार हमारी ये पूरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम प्रयासरत कर रही है कि हर बेटी के मन में आगे बढ़ने का सपना हो, हर बेटी के मन में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सपना हो और उस सपने को पाने की डगर भी हो कि आखिर वो कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और उसके लिए ये मंच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो टीम है पूरी तरह सहयोग के लिए तैयार है। हर तरह से उसके शिक्षा में अगर कहीं बाधा है, माता पिता से बात करने की जरूरत है तो वो भी की जाती है, कहीं आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो वो भी की जाती है, स्कूल से फीस माफ कराने की जरूरत है वो भी की जाती है, स्कॉलरशिप्स की जरूरत है वो भी की जाती है। कहीं ये टीम एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ पीछे रही हो, हमेशा आगे बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है और देती रहेगी। समाज सेवा का कार्य मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है, ये एक समाज को जब मुख्य धारा में ले आया है तो ये काम निरंतर चलता रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि शिक्षा के योगदान हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, मैं तो इस चीज को महसूस भी कर रही हूँ और जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे खुशी होती है बेटियों के इस दिशा में आगे बढ़ने। डॉक्टर बिनीता जी हैं, डॉक्टर बिनीता मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है। देखिए प्रिया जी के साथ मैं पिछले एक साल से जुड़ी हुई हूँ और राजनीति की जहाँ तक बात चल रही है, अगर राजनीति के साथ साथ हमारी समाज सेवा भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोगों का जो मोटिव है वो पहला तो यह है कि हम कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जो रूट लेवल पे काम कर रही हैं प्रिया जी, हम मतलब जैसे विलेजेस पे गांव के लोगों महिलाओं को ये शिक्षित करें कि उन्हें कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराना चाहिए, बेटियों की इम्पोर्टेंस हम लोग उसमें बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ये सपना भी है कि गर्भवती महिलाओं को हम अच्छे से देखभाल उनकी करें, क्योंकि स्वस्थ समाज हमारा आगे तभी होगा जब स्वस्थ बच्चे जन्मेंगे। तो इसमें अंतर्गत भी प्रिया जी ने मतलब हम लोगों ने ये करा है कि हम मेरी तरफ से या और भी डॉक्टर्स जिन्होंने प्रिया जी से प्रॉमिस करा है, मेरा प्रॉमिस यही है कि जो भी एक गरीब तबके के लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें निशुल्क चिकित्सीय अपनी सेवा मैं दे पाऊँ, जिससे अपने फील्ड में एटलीस्ट मैं जितना योगदान कर सकती हूँ वो मैं करूँ। बाकी तो ये समाज है, बेटियाँ बचेंगी, हमें कन्या भ्रूण हत्या रोक के बेटियों को बचाना है, उन्हें पढ़ाना है, तभी आगे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर समाज बदल रहा है और इस बदलाव में प्रिया अग्रवाल जैसी महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
आज हमने कोशिश की कि हम आपको इस अभियान से जुड़े हुए तमाम पहलुओं से रूबरू कराएं। आगे भी हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपनी राय हमें Facebook पेज पर देना ना भूलें। नमस्कार।